मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार की शाम राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक के निकट नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण 1,04,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। भवन में सैनिक परिवारों के लिए विराम कक्ष, सम्मेलन सामुदायिक हॉल एवं मनोविनोद कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने जवानों की शहादत को नमन करते हुए यह भी आश्वस्त कराया कि भविष्य में आश्रित परिवारजनों को हर संभव मदद शासन की ओर से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से अपनी बात प्रारंभ करते हुए सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को याद किया। उन्होंने कहा कि सैनिक आजीवन सैनिक होता है, पूर्व सैनिक होता ही नहीं। वर्दी आपने पहनी है, भूख ललचाता है, सच कहता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। देश की सेवा के लिए आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति उस अपने काम को संपादित करके जब समाज में वापस आता है तो वो समाज के लिए निसंदेह एक एसेट की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो डिसिप्लिन है, जो पूरे समाज को रास्ता दिखा सकता है समय में किसी के काम, मतलब वो मैं क्या कहूँ, जो खूबियां हमको एक बहुत अच्छे नागरिक में चाहते हैं हम सब मिलकर के, वो सब कुछ उपलब्ध होता है। मैं आज के कार्यक्रम में आकर अभिभूत हूँ, आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के मैं बिंद प्यारी को लज्जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पथ पर देना तुम थे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाने। है भाव आपके और हमारे हृदय का है, माताओं के महिलाओं की आंखें सूख ही नहीं पाती आखिरी तक, लेकिन जज्बा है सब। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत विशेष अवसर पर आज मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। सुबह में गया था अग्निवीर जो सिलेक्ट हुए हैं इस बार उनके इस कार्यक्रम में, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अग्निवीर थल सेना के लिए आज तक किसी एक वर्ष में जितना सिलेक्शन हुआ उस सबसे ज्यादा सिलेक्शन 1874 युवाओं ने का सिलेक्शन हुआ है और वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। 800 माननीय हम सबके बीच में पधारे हमारे मुखिया, हमारे नेता सुखदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में अनवरत अप्रतिम कार्य संपादित हो रहे हैं और मैं पूरे गर्व के साथ, विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि समूचे भारतवर्ष के सभी राज्यों को मिलाकर भी आप देखें तो आज ही के दिन 90 सरकार के पूरे भी हुए, 13 दिसंबर से लेकर के आज आप देखें तो 90 पूरे हुए हैं सरकार के। 90 में इस सरकार ने जितने काम किए हैं वो प्रतिमान है, समूचे देश के सारे राज्यों को भी आप मिला देंगे तो इतने काम नहीं हुए हैं, ये प्रतिमान के स्वरूप में मुख्यमंत्री जी के पूरे व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है सहजता और सरलता, और इसीलिए इस पूरी सरकार के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगण और सब कुछ मिला करके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कम लागत में बहुत अच्छा ही भवन बना है। आज के समय में इतने कम लागत में इतना अच्छा भवन बन पाना मुश्किल है, लेकिन पीडब्ल्यूडी को धन्यवाद देना चाहेंगे, अच्छा भवन उन्होंने कम लागत में बनाया है। निश्चित रूप से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को वो किसी काम से राजधानी आते हैं तो उनको कम शुल्क में
अधिकारियों के लिए 300 और बाकी के लिए 200 रुपया, ऐसा एक दिन का शुल्क है। मैं समझता हूँ ये खाली मेंटेनेंस कम शुल्क में आप लोगों को यहाँ रहने का सुविधा मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस विश्राम भवन में मुझे बताया गया है कि अध्ययन साल भी है, मनोरंजन कक्ष भी है, कैंटीन की भी सुविधा है। ये सब हमारे भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सैनिक हवलदार श्री नवीन कुमार नायक श्री मोतीराम एवं सिपाही श्री मनीष कुमार के उपस्थित परिजनों का भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर अभिनंदन किए हैं शहीद जवानों के आश्रितों को, शासन की ओर से आज 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि ही प्रदान किए हैं। मैं शहीद वीर जवानों की शहादत को नमन करने के साथ ही यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में आश्रित परिवारजनों के लिए हर संभव मदद के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार तैयार रहेगी। माताओं के सम्मान का भी अवसर मिला, मैं इसको अपने लिए बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। देश की आन बान की रक्षा करने के लिए किसी वीर माता के बेटे ने बलिदान दिया है, किसी वीर महिला के पति ने अपना बलिदान दिया है, आज उनका सम्मान करने का अवसर हम सब लोगों को मिला है, इससे हम लोग बहुत अभिभूत हैं। और आप लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी वन रैंक वन पेंशन, और आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज कहीं ना कहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आपकी बहुत कर पाए। और मैं फिर से एक बार